दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे पावर कपल के बारे में बताएंगे जिनका कोरोना के दौरान सब कुछ छिन गया था। जॉब जाने के बाद कमाई के सारे दरवाजे भी इनके लिए बंद हो गए थे। तो हम लोग के साथ वो सिचुएशन था कि अगर हम कुछ ना करें तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता। पर इतने में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, चुनौतियों का सामना किया और दोनों ने मिलके जो किया, I must say, lovely. ऐसा पिज्जा शायद ही आपने राउरकेला में या इसके बाहर भी खाया होगा। और आज इनके हाथों बनाए हुए पिज्जा टेस्ट के मामले में बड़े बड़े पिज्जा जायंट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। रायपुर से राउरकेला, जीरो से हीरो बनने का इनका सफर आज बहुत सारे यंगस्टर्स को मोटिवेट करने वाला है। आप सबसे निवेदन रहेगा इस वीडियो को देख के प्लीज शेयर कर दें। मेरा नाम सुभाषिश है, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ केंदुझर, जो उड़ीसा का एक टाउन है। लास्ट 12 साल से मैं मार्केटिंग फील्ड में था, 5 साल से मैं माइक्रो फाइनेंस फील्ड में था। 12 साल का जॉब लाइफ के बाद कोविड टाइम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हजारों करोड़ों लोगों का जॉब गया है, तो उसमें से एक मैं भी गया। एक पोजिशन पहुँचने के बाद जब कहा जाता है कि आप कोविड के टाइम में आपका सैलरी कम कर देंगे एंड ऑल, तो मैंने उस वक्त ये डिसाइड किया कि मैं सैलरी पे हिट लूँ, इससे अच्छा मैं खुद कुछ क्यों ना करूँ। जो बिजनेस जो भी करता है, दो रीज़न की वजह से करता है, या तो आपका कैपिटल बहुत ज्यादा है या फिर आपका आसपास का सिचुएशन आपको पुश करता है कि आप कुछ करो वरना आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग के साथ वो सिचुएशन था कि अगर हम कुछ ना करें तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता। 15 घंटे किसी और के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है, तो वही 15 घंटे मैं अपने सपने साकार करने के लिए क्यों ना करूं। जब मैंने ये डिस्कशन किया अपनी वाइफ के साथ तो उन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिए। मेरा नाम है वंदना आचार्य और मैं राउरकेला से हूँ। 2015 में हमारी शादी हुई, तो अचानक से जब ऐसा कोविड वाला सिचुएशन हुआ एंड ही टोल्ड मी कि ऐसे जॉब क्विट करने वाले हैं, तो आई थॉट कि शायद यही एक पुश है जो हमें चाहिए था कि हाँ, मतलब लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं जॉब में तो नहीं कर पाते हैं बिजनेस। आई हैव बीन वेरी पैशनेट अबाउट कुकिंग राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, तो मुझे लगा कि हम फूड बिजनेस में ही कुछ कर सकते हैं। कोविड के टाइम में मैं काफी टाइम घर पे ही पिज्जा बनाती थी, फ्रेश डो वाला पिज्जा बनाती थी, हम दोनों को तो बहुत पसंद आया। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को खिलाया कि देखो फ्रेश डो में हम लोग पिज्जा बनाते हैं तो कैसा लग रहा है, तो सब लोग भी शॉक्ड हो गए कि ये इतना टेस्टी लग रहा है, मतलब उसका डो, मतलब वो कितना सॉफ्ट एंड बहुत डिलीशियस लग रहा है। तो फाइनली हमने इसीलिए सोचा कि नहीं, हम लोग एक पिज्जेरिया टाइप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे एंड उसमें और दूसरे आइटम्स भी रखेंगे कुछ कुछ। पहले तो सोचा कि रायपुर में ओपन करते हैं, बट देन रायपुर में हम किसी को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे एंड वहाँ पे भी, मतलब इट्स अ वेरी कॉस्टली सिटी एंड वहाँ पे सब कुछ एक्सपेंसिव है, तो वो हमारे बजट में नहीं था। देन वी थॉट ऑफ कि राउरकेला में मेरे सारे जान पहचान है, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, मेरी फैमिली का सपोर्ट मिल जाएगा। तो एंड शुरू से ही लव द सिटी, जब से हमारी शादी हुई ही ऑलवेज प्रेजेस राउरकेला लॉट, तो फाइनली वी केम डाउन टू थिंकिंग कि नहीं, हम लोग राउरकेला में ही ओपन करेंगे तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। जिस एंगल से भी देखना चाहे राउरकेला आपको अच्छा ही लगेगा, बड़े मेट्रो सिटी का भी एक फील आ जाएगा, साथ में एक पीसफुल सिटी का भी एक फील आ जाएगा। यहाँ के लोग भी बहुत सपोर्टिव है, आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो वो आगे से बढ़ के आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। फाइनली इतने सारे संघर्ष के बाद राउरकेला में जन्म होता है सैसी का। जब किसी को पिज्जा खाना रहता है तो शहर में बस दो ही बड़े ऑप्शन मिलते थे, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लोगों को थर्ड ऑप्शन भी मिल जाएगा, वो भी बेटर वाला, फ्रॉम सैसी। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन पहली बार ऐसे हमारे साथ हुआ था, कहीं पिज्जा खा के हम इतना सरप्राइज हो गए थे। भाई सीरियसली, आई मस्ट से लवली। सैसी का एड्रेस बताना चाहूंगा आपको, C21 कोयल नगर, ICICI बैंक के पास में है। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ ऐसा पिज्जा शायद ही आपने राउरकेला में या इसके बाहर भी खाया होगा, हमें आपका इंतजार रहेगा। दोस्तों आज की ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सक्सेस और फेलियर में बस एक स्टेप का अंतर रहता है, जिसने वो एक स्टेप लिया वो इतिहास बना दिया और जिसने नहीं लिया वो खुद इतिहास बन गया।